बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ में रविवार को दिल्ली रोड स्थित द ग्रैंड एलोरो होटल में आयोजित शूटिंग प्रोग्राम में एक वेब सीरीज में पीएम नरेंद्र मोदी के बचपन का रोल निभाने वाले मुंबई से युवा डांसर और एक्टर फैजल खान सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। फैजल खान ने बताया कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत इंडस्ट्रीज में तब हुई जब उनके पिता ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से उन्हें सारे हिंदुस्तान का प्यार मिला। वही इस दौरान के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने युवा डांसर और एक्टर फैजल खान से खास बातचीत की। और वो अपनी निजी कहानी जो शायद इन्होंने भाई हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपनी निजी कहानी फैजल खान आज हमारे साथ मौजूद है, मेरठ पहुंचे, आज मुंबई से चलकर उनसे बातचीत करते हैं कि एक ऑटो की सवारी से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक का सफर कैसा रहा। सफर तो बहुत एक्सपीरियंस भरा रहा, और एक्सपीरियंस भरा हो तो ही शायद आपको लाइफ में आगे और चीजें समझ आती है। ऑटो से आज भी ऑटो में ही घूमने मजा आता है, जितना भी हवाई जहाज में घूम लो। आज मैं मुंबई में कहीं लोकल घूमता हूँ तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ऑटो होती है। सो आई थिंक अभी जहाज तक आया है, इसके आगे भी जाना है शायद। पर्सनल हवाई जहाज आप लो तो शायद तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ कुछ और किया है। डांस शो से लेकर वेब सीरीज में भी आप काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन का जो समय था वो भी आपने एक वेब सीरीज में दिखाया, तो कैसा अनुभव रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? अनुभव तो बहुत ही अलग रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सीएम जब वो बने थे तब लोगों ने देखा है, जब प्रधानमंत्री बने हैं तो सबको पता है, पर बचपन की लाइफ नहीं पता थी। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मेरे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था कि मैं कहाँ से देखूँ, मैं कैसा लग सकता हूँ, वो कैसे बात करते होंगे। जैसे अभी वो बात करते हैं तो हाथ ऐसे, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। सो एक्सपीरियंस अलग था उनकी। हमने ऑलमोस्ट सारी रियल लोकेशन पे शूट किए, जहाँ उनका घर था वडनगर, आई थिंक वहाँ पर, मैं सॉरी अगर मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ पर शूट किया है। हरिद्वार गए, बहुत सारी जगहों पर रियल में शूट किया है, तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। जो आजकल के युवा है कुछ भी समस्या आने के उपरांत हार मान लेते हैं, आपके साथ भी यही समस्या हुई लेकिन आप हार नहीं मानी आपने, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के युवा है? आई थिंक हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में कुछ भी हो। कहते हैं ना कि एक हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो आई थिंक आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो शायद शांत से बैठकर या अपने सबसे क्लोज जो है, फिर चाहे वो अपने मम्मी हो, पापा हो, या बहन भाई या दोस्त, किसी से थोड़ी देर बात करो। आई थिंक वो मामला जो है आपका माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा एक्टर फैजल खान। इनका कहना है कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, बिल्कुल ये सही है। तो आजकल के युवाओं को ये हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा के न्यूज़ मेरठ।